तो मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। ऐसे में सर्दी वाले सत्र में गर्मी वाली सियासत देखने को मिल सकती है। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार करीब 4,864 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी है वो समझ लीजिए। विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू हो जाएगी। किसी भी तरह के हथियार, लाठी डंडे और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारी कर ली गई हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें विपक्ष की क्या रणनीति है वो भी सभी तैयार कर ली गई है, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और आप देखेंगे तो विधानसभा परिसर को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो जो गेट है विधानसभा का मुख्य गेट वहाँ पर खड़े हो गए हैं और सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सुरक्षा, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश ना कर सके उसके लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कल जो सुरक्षा को लेकर बैठक की गई है उसमें यह भी तय किया गया है कि विधानसभा परिसर के 300 मीटर की दूरी पर धारा 144 लागू की जाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें, तलखी तो ज़रूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें। विपक्ष के क्या मुद्दे हो सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। UK SSC पेपर लीक मामला, UK SSC समेत कई विभागों में भर्ती घोटाला, कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरने का कांग्रेस काम करेगी। अंतरिम बजट में सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, इसमें चर्चा होती नहीं है और हम चाहते हैं कि जो धनराशि इतना जो हमारी विधानसभा सत्र में खर्च होती है और हम उसके सवालों के जवाब देने में कोताही बरते हैं, जवाब देने में अक्षम साबित हों, तो सरकार का पैसा भी, सरकार का नहीं राज्य की जनता का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस बार माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ आएंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे। सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं लग रही है कि लंबा सदन चलाएगी, तो चलाना तो सरकार को ही है। हमारे पास तो जनता के ज्वलन मुद्दे हैं, नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछली बार भी मैं लेकर आया था, कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा मुद्दा बढ़ने जा रहा है, भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है, प्राण के लिए अमर अन्य जगह पे, और भी बहुत मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बहुत लचर है, लेकिन सदन अगर नहीं चलेगा तो कैसे रख पाएंगे। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। 29 तारीख से और 5 तारीख तक का जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया बजट का अवधि, और चूंकि बिजनेस के आधार पे कार्य मंत्रणा समिति ही उसके लिए अंतिम रूप देती है जो एजेंडा होता है, तो जैसे मैंने कहा कि अभी हमने कल के लिए आज तय किया, कल के बाद का जो एजेंडा है हम कल बैठ के फिर तय कर लेंगे। नवंबर में पहाड़ पर पारा लगातार गिर रहा है और बढ़ती हुई सर्दी के बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड की सियासत में गर्मी देखने को मिलेगी।
साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में कल विधानसभा सत्र के लिए पूरा एजेंडा तय कर लिया गया है और उसके साथ साथ ही कल फिर शाम को कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद आगामी सत्र के लिए जो भी एजेंडा है वो तय किया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है ताकि सरकार को हर तरह से घेरा जाए। कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी केस और भर्ती मामले हैं जो विपक्ष के पास, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।